हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था आईएएस जेके एएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिशन यूथ के अंडर, उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, अगर बाकी क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो कि इस पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन बताता है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2022 के मुताबिक इनमें से कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी शामिल नहीं किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। ऑप्शन से आपके पास पंजाबी, हिंदी, डोगरी या फिर इंग्लिश। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर लिखें, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2022 के अंडर कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट ए, पंजाबी लैंग्वेज। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 के बारे में आप याद रखेंगे कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 22 सितंबर 2020 को। दोस्तों इसके बाद ये बिल राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा में इस बिल को 23 सितंबर 2020 को पास किया जाता है वॉइस वोट के जरिए से। 26 सितंबर 2020 को इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलता है और इसके बाद 29 सितंबर 2020 को ये बिल जो है ये फोर्स में आ जाती है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के अंडर पांच लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया गया, जिनमें एक तो है कश्मीरी, दूसरी है डोगरी, तीसरी है उर्दू, चौथी है हिंदी और पांचवी है इंग्लिश। इन पांच लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के अंडर। तो इस एक्ट से पहले जम्मू कश्मीर की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, एक तो थी उर्दू और दूसरी थी इंग्लिश। ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले थी जम्मू कश्मीर की। कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 लाई गई तो इसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 53.26% कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, इसके अलावा 26.64% डोगरी बोलने वाले लोग हैं, 2.36% ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं और 0.16% उर्दू बोलने वाले लोग हैं। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस आती हैं जिनमें कश्मीरी डोगरी भी शामिल है। तो दोस्तों ये थी वीडियो पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 पर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।